मैं अपनी युवा पीढ़ी से एक ही निवेदन करना चाहूंगी, चाहे झंडे फहराएं या ना फहराएं, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में परिवार के साथ जरूर आए, क्योंकि ये परिवार में परिवार के लोग जब इन कार्यक्रमों में आएंगे तो मुझे लगता है कि एक पीढ़ी और बढ़ जाएगी, और शायद जो आज ये कार्यक्रम इस हॉल में है, किसी दिन किसी रामलीला ग्राउंड में भी भगत सिंह का कार्यक्रम हो रहा होगा। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट मैं समझ रही हूँ और आपका जोश भी। मैं बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि भगत सिंह को यदि जिंदा रखना है तो एक ट्रेन जरूर चलाएं कि हमारे राष्ट्रपिता यदि महात्मा गांधी हैं तो हमारे राष्ट्रपुत्र भगत सिंह को घोषित किया जाए, और जो आतंकवादी कहने का कलंक लगा रखा है उसको मिटाया जाए। 65 दिन तक बिना किसी अन्न जल के उस व्यक्ति ने अपने जीवन को इस देश के लिए समर्पित कर दिया, क्या ये सुनने के लिए कि उसको आने वाली पीढ़ी आतंकवादी कहे? हमारा इतिहास उनको आतंकवादियों के नाम से याद करे? और ऐसे ऐसे व्यक्तियों को हमने सम्मानित कर दिया जिनके लिए सम्मानित भी सम्मान भी अपनी नजरें नीचे झुकाए खड़ा हुआ है। मुझे तकलीफ होती है जब मेरे शहीदों को वो सम्मान वो स्थान नहीं मिलता तो मन में बड़ी पीड़ा होती है। आप लोग यदि प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ये कार्य हो सकता है। भगत सिंह जी के जो वो राष्ट्रोत्सव वाली बात दोबारा से दोहराएंगे, मैं जरा वॉइस रिकॉर्डिंग करके इसको वायरल करेंगे जी। मैं सभी से ये कहना चाहूंगी पुनः, हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को माना, उनको मान सम्मान और आदर दिया, राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया, और तो और हमने जिस करेंसी पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का फोटो चिपकाया उसके बाद में सबसे ज्यादा वो अहिंसा के लिए लड़े, लेकिन उसी चीज पे सबसे ज्यादा हिंसा हुई। आज मैं ये चाहूंगी कि भगत सिंह जी के लिए हमें राष्ट्र पुत्र के नाम पर एक ट्रेन चलाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपुत्र की उपाधि उन्हें जरूर मिलनी चाहिए, और ना केवल उनको बल्कि जितने शहीद हुए हैं उनको इतिहास में वो सम्मान जरूर मिलना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी क्योंकि कार्यक्रम बहुत आगे चल रहा है। हो गई पीर पर्वत सी अब तो पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी अब तो पिघलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा अब तो निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं मेरा, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद जय